आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने संतों के गुरुए वस्त्र को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर बयान के बाद उनकी हत्या करने को लेकर इनाम का ऐलान किया गया है। ऐसा करने वाले लोग संत नहीं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले आतंकवादी चेहरे थे। उन्होंने ये भी कहा कि देश संविधान से चलेगा, बाबा के बयान से नहीं चलेगा। तो लगातार विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो संविधान है, जो देश है, वो संविधान से चलेगा, बाबा के बयान से नहीं चलेगा। वहीं ये बयान उन्होंने गेरुए वस्त्र को लेकर भी कहा है। तो आइए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो भी आपको सुनाते हैं। ये साधु है, ये संत है, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे भी आतंकवादी चेहरे थे। एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी, हमारा क्या मिल रहा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। आपने सुना किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आए। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के बाद एक बार फिर से गेरुए वस्त्र पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने करारा प्रहार किया है। तो रामचरितमानस पर बयान के बाद उनकी हत्या को लेकर इनाम का ऐलान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में घिरे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसा करने वाले लोग संत नहीं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले आतंकवादी चेहरे थे। तो उन्होंने साफ तौर पर गेरुआ वस्त्र पहनने वाले संतों की कहीं ना कहीं तुलना आतंकवादियों से कर दी है, जिस पर अब संत समाज का गुस्सा भी फूटता हुआ दिखाई दिया है। तो एक बार फिर से जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो लगातार विवादों में घिरते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुहानी, रामचरितमानस के बाद अब गेरुआ वस्त्र पर टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में घिरते हुए आ रहे हैं। पहले आप बताइए कि क्या कुछ बयान था उनका। जी सुहानी, तो सुहानी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गेरुए वस्त्र पर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले आतंकवादी चेहरे थे। उन्होंने ये भी कहा कि देश संविधान से चलेगा, बाबा यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से नहीं चलेगा। तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार फिर से चलिए आपको सुनाते हैं। ये साधु है, ये संत है, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे भी आतंकवादी चेहरे थे। एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी, हमारा क्या मिल रहा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तो एक बार फिर से हमारी सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुहानी, रामचरितमानस के बाद अब जो गेरुए वस्त्र पर टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले ये बताया कि क्या कुछ बयान दिया है, जिस पर अब विवाद गहराता जा रहा है। जी सुहानी, तो सुहानी से संपर्क हमारा स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार आपको बता देती कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादों से गहरा नाता रहा है। जी हां, रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के बाद अब एक बार फिर से गेरुए वस्त्र पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामचरितमानस पर बयान के बाद उनकी हत्या करने वालों को लेकर इनाम का ऐलान किया गया था। ऐसे करने वाले गेरुए वस्त्र धारण करने वाले आतंकवादी थे। वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब यह भी कहा है कि जो संविधान, जो देश है वो संविधान से चलेगा, यानी कि जो देश है वो अब संविधान के नियम, संविधान के दायरों पर चलेगा, ना कि बाबा के बयान पर, बाबा के ऐलान पर। यानी कि इस बयान के जरिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही भाजपा सरकार पर भी तंज कसा है।
तो सुहानी एक बार फिर से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुहानी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता है जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है, कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं तो कभी अब उन्होंने गेरवे वस्त्र पर टिप्पणी की है, क्या कुछ इस दौरान उन्होंने बयान दिया है जिस पर अब राजनीति गरमाई हुई है? सुहानी, जी मुस्कान, आपको बता दें कि फिर से जो स्वामी प्रसाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पहले जो पिछले महीने रामचरितमानस के लेकर विवादों में घिरे हुए थे, तमाम वो हिंदू धर्म के लेकर बातों को हमेशा बोलते रहते हैं और वही अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो अभी हाल में ही यूपी के ग्राम विकास अधिकारियों का जो भर्ती निकला है उस पर लेकर उन्होंने खास तरह से एक बयान दिया है, एक टिप्पणी किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है राम राज कह के और वो नीची जाति से जनजाति उनके और जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो छोटे जाति हैं, उनका जो आरक्षण है पूरी तरह से उसको खत्म कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि अभी बस जो सूची निकली है उस पर दो तिहाई तक आरक्षण खत्म कर दिए हैं और जब अब परीक्षा हो जाएगा उसे लग रहा है कि पूरी तरह से आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं जो छोटे जाति अल्पसंख्यक के लोग हैं या जो जनजाति जो है उनका उनसे दुश्मनी है, तो चुनाव के टाइम में उनका दुश्मनी कहाँ चला जाता है, वोट देने के टाइम उनका जो चुनाव आ जाता है उनका वो हिंदू धर्म के लोग हो जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही वो जो नीच जात और जनजाति अल्पसंख्यक के हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम जो टिप्पणी है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो दे रहे हैं इस पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी सरकार आई है तब से वो छोटे जात के लोगों को पूरी तरह से तानाशाही कर रही है, उन पर आरोप लगा रही है, उनका पूरी तरह प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं सरकार कैसी है कि जो सुहानी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले आतंकवाद चाह रहे थे, तो क्या लगता है कि उनके इस बयान पर अब संत समाज जो है उसमें आक्रोश देखने को मिलेगा? तो सुहानी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के साथ ही योगी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो संविधान है, जो देश है, वो संविधान के आधार पर चलेगा, ना कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर। तो बीजेपी अब निकाय चुनाव के बाद लोकसभा की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में बीजेपी उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। अभियान की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री को यानी कि सुनील बंसल को सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से उत्साह नजर आ रहा है। तो जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव में महज एक साल से कम का वक्त बचा है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार अब जमीनी स्तर पर काम करती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसके लिए जो दिग्गज नेता है वो भी मोर्चा संभाल चुके हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को उनकी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खासा जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। तो बीजेपी की जनसंपर्क क्रांति, जी हाँ, ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बीजेपी अब 2024 के चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करती हुई नजर आ रही है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगातार चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया जा रहा है। तो वहीं एक बार फिर से भाजपा के एक दिग्गज नेता यानी कि सुनील बंसल को उनकी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। तो निकाय चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया था, वहीं नेताओं का भी उत्साह बढ़ चुका है। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी अब कमर कस चुकी है, जमीनी स्तर पर नजर आएगी, और इसी को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को भी एक अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। जी हां, अभियान की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री यानी कि सुनील बंसल को सौंप दी गई है। तो अभियान की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अब जो संभालेंगे वो है राष्ट्रीय महामंत्री। जी हां, आपको बताते चले कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम और दिलचस्प मोड पर कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देती हुई नजर आ रही है। तमाम दिग्गज लगातार जनपदों का दौरा भी कर रहे हैं।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं एक अभियान की भी शुरुआत की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। किस तरीके से ये मॉनिटरिंग की जाएगी और क्या कुछ तैयारी और है भाजपा की? देखिए मुस्कान, सबसे अहम बात यह है कि अभी जो परिणाम आया विधानसभा चुनाव में, हिमाचल में बीजेपी हार गई है, कर्नाटक बीजेपी हार गई है, और उत्तर प्रदेश के रास्ते ही केंद्र की कुर्सी का रास्ता तय होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं करना चाहती है। उसके लिए लगातार यहाँ प्रयास चल रहा है, अभियान चलाए जाने वाले, 30 मई से 30 जून तक यहाँ जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। और इस बार फिर अपने भरोसेमंद चेहरे यानी सुनील बंसल, जो यहाँ पर संगठन मंत्री थे, उनके द्वारा बीजेपी 14 की बात करें, चुनाव की बात करें, या 17 चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की बात करें, या 22 चुनाव की बात करें, जो उनका प्रदर्शन था वो बेहतर था, और यहाँ पर लगातार बीजेपी द्वारा यहाँ पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई थी। और सफलता के बाद इस बार बीजेपी फिर दोबारा यहाँ पर जो सुनील बंसल हैं, जो कि इस समय राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पदोन्नत हो गए थे, उनके जगह पर यहाँ पर धर्मपाल सिंह आए थे, तो अब दोबारा उनको यहाँ पर उतारा जा रहा है। और जो जनसंपर्क अभियान है जो 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा, उसके तहत अब यहाँ पर सुनील बंसल की जिम्मेदारी दी जा रही है, वो जनसंपर्क अभियान की मॉनिटरिंग भी करेंगे और समस्त जो लोकसभा जो सांसद हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा, और रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से टिकट भी स्थिर किया जाएंगे कि टिकट इस बार किसको देना है, किसका काटना है। बिल्कुल गौरव, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी। ये अभियान कब से शुरू होगा और प्रदेश के किन किन जनपदों को ये अभियान कवर करेगा? देखिए अभियान सभी 80 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर होने वाला है, और अभियान के तहत यहाँ पर जनता संवाद स्थापित किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है, इस अभियान के दौरान चाय पर चर्चा भी होगी, जिसमें खिलाड़ी की बात करें, कलाकारों की बात करें, बुद्धिजीवी वर्ग की बात करें, शिक्षकों की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, या शहीदों के परिवारों की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की परिवार की बात करें, वहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग के साथ चर्चा भी होगी, संवाद स्थापित होगा, और जनसंपर्क अभियान के तहत यहाँ पर सभी वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे यानी मिस्टर रिलायबल पर यहाँ पर भरोसा जताया है, जिन्होंने अगर 14 चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की बात करें, 17 चुनाव की बात करें, 22 चुनाव की बात करें, लगातार बीजेपी को यहाँ पर सफलता दिलाई है, उस बार 19 चेहरे पर दोबारा उन्होंने दायित्व सौंपा है। ठीक है गौरव, जनसंपर्क क्रांति अभियान की शुरुआत तो यूपी में हो रही है, जिसकी कमान कहीं ना कहीं सुनील बंसल के हाथों सौंप दी गई है, तो क्या जो देश भर में जब यह अभियान चलाया जाएगा तो क्या उसकी भी कमान सुनील बंसल के ही हाथ में रहेगी? अब देखिए अहम बात यहाँ पर यह है कि जो परिणाम उत्तर प्रदेश से आने हैं, उत्तर प्रदेश के रास्ते केंद्र की कुर्सी का रास्ता तय होता है, और यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश को जीत लिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाभ मिलेगा, और इसको लेकर सुनील बंसल जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री हैं, अब उनको और राज्यों की जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर जो जिन राज्यों में जो उनके मंत्री हैं या जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, महत्वपूर्ण मुस्कान ये होता है, क्योंकि राज्यों में वहाँ के जो निवासी होते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उनको ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है। हालांकि मॉनिटरिंग के लिए सुनील बंसल को और राज्यों की जिम्मेदारियाँ मिल सकती है, और बीजेपी में ऐसे लगातार होता रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश का चेहरा है तो उसको कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है, और व्यवस्था होती रहनी चाहिए, हो सकता है आने वाले समय में सुनील बंसल को और राज्यों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर दे दी जाए। उसका बिल्कुल गौरव, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत तो यूपी में हो रही है, और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, तो यूपी के लिए तो भाजपा ने कमर कस ली है, लेकिन जो बाकी अन्य प्रदेश है उसके लिए भाजपा ने क्या कुछ तैयारी की रखी है या किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए उसका रोड मैप यहाँ तैयार करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ दिक्कतें कम है, और वहाँ पर पुनः वो प्रदर्शन दोहराने की यहाँ पर एक लय होती है, उसको बरकरार रखना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुस्कान यहाँ पर यह है, जहाँ पर बीजेपी हारी है, हिमाचल की बात करें या हम कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर नए सिरे से मंथन करना होगा, इस बार पदाधिकारी किसको बनाना है, किसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और उम्मीद की जा सकती है कि हारे हुए प्रदेशों में बीजेपी अपने भरोसेमंद चेहरों पर या अनुभवी चेहरों पर यहाँ पर दायित्व देगी और अपनी जो पुरानी नीति है उसको बेहतर करेगी, क्योंकि अगर बात करें मुस्कान तो विधानसभा चुनाव का या निकाय चुनाव का परिणाम बहुत कुछ निर्भर नहीं करता है लोकसभा सीटों पर। अगर हम बात करें लोकसभा विधानसभा चुनाव में, जहाँ जहाँ बीजेपी हारी है वहाँ पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सफलता मिली है, तो विधानसभा चुनाव के परिणाम बहुत बड़ा महत्व नहीं रखते हैं, पर चूंकि अभी परिणाम हाल में आए हैं तो कहीं ना कहीं लहर का यहाँ पर नुकसान बीजेपी को हो सकता है, और फिलहाल यहाँ पर बीजेपी कोई नुकसान उठाने की तैयार नहीं होगी, और जहाँ पर अभी हार कराई है वहाँ पर भी समीक्षा होगी और भरोसेमंद चेहरों पर उतारा जाएगा। बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों ही चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं,
है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के नतीजे लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन गौरव, अब यहाँ अहम ये हो जाता है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार एक साथ आ रही है, तो क्या भाजपा के लिए विपक्षी पार्टियों का एक साथ आना चुनौती बन सकता है? देखिए मुस्कान, विपक्षी एकता में यहाँ पर आ रही है, वो केवल यहाँ पर बात चल रही है। अब तक विपक्षी एकता की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा, अब तक इसका क्लियर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर कर्नाटक चुनाव के पहले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर विपक्षी एकता में माना ही नहीं जाता। अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता में करते हैं, उस दौरान भी वो कांग्रेस के लिए केवल एक ही बात करते हैं, उनसे विपक्षी एकता पर बात की जाती है। उनका कहना था कि कांग्रेस जहाँ राज्य मजबूत है वहाँ चुनाव बेहतर तरीके से लड़े, तो कहीं कहीं कांग्रेस की बात नहीं हुई। कांग्रेस जब यहाँ पर कर्नाटक चुनाव जीत कर आई है तो कांग्रेस की बात होने लगी है। अब विपक्षी एकता यहाँ पर कितना कारगर साबित होगी, तो विपक्षी एकता में भी सेंध लगाने का प्रयास बीजेपी लगातार करेगी। अब विपक्षी एकता कितना सफल होती है, कितने घर विपक्षी एकता में जाते हैं और कितने यहाँ पर निश्चित अलग चुनाव लड़ते हैं, वो देखने बाद ही बात होगी। कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही कह चुकी है कि इस बार हम लोकसभा चुनाव फिर लड़ेंगे, और निश्चित रूप से मायावती ये महत्वपूर्ण चेहरा है, ओबीसी वर्ग को दलित वर्ग की निश्चित रूप से बात करती आई है, बड़े चेहरों में एक है, तो कहीं ना कहीं इनका जुड़ना भी बहुत जरूरी है। विपक्षी एकता केवल नाम की नहीं होनी चाहिए, विपक्षी एकता यहाँ पर आंकड़ों के लिए और चुनाव के टिकट वितरण के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तभी कुछ बेहतर होगा। अन्यथा विपक्षी एकता केवल नाम की रहेगी और विशेष परिणाम यहाँ पर विशेष चुनौती बीजेपी को देते नजर नहीं आएंगे। मुस्कान, बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को भाजपा ने अहम जिम्मेदारी दी है। जी हाँ, जनसंपर्क अभियान की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जो है वो सुनील बंसल को सौंप दी गई है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले यूपी से की जाएगी। तो वहीं लखनऊ में निजी अस्पतालों के फैले मकर जाल में आम जनमानस गिरफ्त में आखिर आ ही जाते हैं। ताजा मामला लखनऊ के गोसाईगंज से सामने आया है, जहां एक नाबालिग का गर्भपात कराया गया। इस मामले में गोसाईगंज के अवैध प्रॉमिस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। डिप्टी सीएम राजेश पाठक के हस्तक्षेप के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल में छापेमारी की, जिसमें बिना लाइसेंस के अस्पताल चलता पाया गया। वहीं अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाएं भी भर्ती मिली और डिप्टी सीएम के आदेश पर सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल संचालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले में हिंदूवादी संगठन भी अब कूद गए हैं। तो कहीं ना कहीं निजी अस्पताल के मकरजाल में जो आम जनमानस है वो लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस दौरान क्या कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है नेताओं की, वो भी आपको सुनाते हैं। अब ये दलित समाज से हमारे भाई हैं, इनकी बच्ची के साथ जिस तरह की जघन्य हत्या जघन्य बलात्कार का कांड हुआ, उसके बाद उसका गर्भ गिराया गया, ऐसी घटना को लेकर के आज अखिल भारत हिंदू महासभा यहाँ आई है इनके परिजनों को, इनके दुख को कम करने के लिए, और हम सब यहाँ पर इनके साथ हैं, परिजनों के साथ हैं। इनके परिवार को धमकी दी जा रही है मुकदमा वापस लेने के लिए। यहाँ के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने अकूत दौलत यहाँ पर जो इनके परिजनों ने इकट्ठा की है, मतलब करीबन दर्जनों गाड़ियाँ इन्होंने खरीदी, कहाँ से इनके पास करोड़ों की जमीनें आ गई, मेन रोड पर इनके पास करोड़ों की जमीनें हैं। तो वहीं कलीम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कलीम, एक लखनऊ के अस्पताल में नाबालिग बच्ची का गर्भपात कराया जा रहा था, क्या कुछ था ये पूरा मामला, पहले संक्षेप में बताइए। देखिए मामला कुछ यूं है कि एक मीट व्यापारी है, जो मीट व्यापारी के द्वारा जो एक नाबालिग जो किशोरी है उसके साथ दुष्कर्म किया गया, और दुष्कर्म करने के बाद उसके 4 महीने बाद भ्रूण हत्या भी करा दी गई, यानी कि उसका गर्भपात कराया गया। और जहां गर्भपात कराया गया वो एक निजी हॉस्पिटल था, और जो जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था, उस हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रूण हत्या हुई उस मामले का जब संज्ञान लिया गया, पुलिस ने इस मामले में जब केस दर्ज किया, और केस दर्ज करने के बाद जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यानी कि जो डिप्टी सीएम होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई भी की। फिलहाल कहा तो ये जाता है कि भ्रूण की जाँच कराना और उसके साथ छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है, उसके बावजूद पुलिस और डॉक्टरों पुलिस को चकमा देने के साथ साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर लगातार इस तरीके का काम करते रहते हैं। अगर हम इसी तरह की एक पुरानी घटना पे आपको हम ले जाएंगे, आज से 3 साल पहले की एक घटना है,
जो कि मड़ियाव इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मामला सामने आया था, जिसके बाद कार्रवाई उस पर भी हुई थी, क्योंकि वहां पर डिलीवरी के दौरान एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था जिसमें जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। जब ये मामला हाईलाइट हुआ था तब उस हॉस्पिटल को सीज करने के साथ साथ डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इसी तरह का जुड़ा हुआ ये मामला है, लेकिन बस इसमें फर्क इतना है कि यहाँ पर भ्रूण की हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस तरीके के कई मकड़ जाल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो लगातार राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से पनप रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीण एरियों में इस तरीके के हॉस्पिटल पाए जाते हैं। फिर बात की जाए अच्छा कलीम, जिस तरीके से लगातार डिप्टी सीएम के साथ ही स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक लगातार निरीक्षण करते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाक के नीचे से प्रदेश की राजधानी में तमाम ऐसे हॉस्पिटल संचालित होते हैं। देखिए इस विषय पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो हमारे डिप्टी सीएम हैं वो लगातार जो निरीक्षण करते हैं, वो जो निरीक्षण उनका होता है वो ज़्यादातर सरकारी विभागों का होता है, क्योंकि कहा जाता है कि सरकारी विभागों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है और जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो लगातार मनमानी करते हैं, जिसके कारण इसका निरीक्षण किया जाता है और वहाँ के डॉक्टरों को भी चेतावनी देने के साथ साथ कार्रवाई भी होती है। लेकिन अगर इसी तरह का निरीक्षण जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पर भी निरीक्षण किया जाए तो जाहिर सी बात कहा जा सकता है जितने भी जो मकड़जाल हैं उन मकड़जालों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि अक्सर शिकायतें आती हैं कि जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पर मरीजों के साथ लूटपाट होती है, मारपीट होती है और फिर उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है वो भी लगातार उनका सहयोग कर रही होती है, क्योंकि पुलिस को पूरी जानकारी होती है कि कौन हॉस्पिटल के पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं। और जो बात की जाए सीएमओ ऑफिस के, सीएमओ ऑफिस में भी सब एक से बढ़कर एक अधिकारी हैं, क्योंकि जो ऊपर रिपोर्ट पहुंचाई जाती है वो उसमें लगातार गुमराह किया जाता है, क्योंकि जब शिकायत किसी पीड़ित की पहुंचती है तो निरीक्षण करने के लिए जो अधिकारी जाते हैं, जो कर्मचारी जाते हैं, वो जब वापस आते हैं तो अपनी रिपोर्ट में भी खेल करने से बाज नहीं आते, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्राइवेट संस्थान है वो लगातार सरकारी विभागों से मिले होते हैं, वहाँ के जो मरीज होते हैं उन मरीजों को प्राइवेट संस्थान ले जाया जाता है और वहाँ पर उनसे धन उगाही की जाती है और उसका बाकायदा पूरा परसेंटेज भी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल ही के दिनों में हमारी प्राइम टीवी ने कुछ खबरें दिखाई थी कि हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस संचालकों का जो एक मकड़जाल था और उसके लगातार वीडियो भी वायरल हुए थे कि किस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था। फिलहाल में ये कहा जा सकता है कि जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, इनके द्वारा जो सरकारी संस्थानों में निरीक्षण किया था, इसके साथ ही प्राइवेट संस्थानों पर भी लगातार निगाह दौड़ाई जाए, तो जाहिर सी बात है जो झोला छाप डॉक्टर कलीम जिस तरीके से अभी आपने बिल्कुल करीम जिस तरीके से लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि जो सीएमओ ऑफिस है वहां पर सारी फाइलें मौजूद रहती हैं, अधिकारियों को पता होता है कि कौन सा अस्पताल बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा है, लेकिन ये फाइलें ऊपर तक नहीं पहुंचती हैं। और ये फाइलें ऊपर तक तब पहुंचती हैं जब ऐसे हॉस्पिटल्स में या तो हादसे हो जाते हैं या फिर ऐसी खबरें निकल के सामने आती हैं। तो क्या माना जाए कि अगर हमारी जो जनता है वो प्राइवेट अस्पताल में पहुंच रही है तो अपनी जान को पहले ही हथेली में रख के पहुंचे? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो प्राइवेट संस्थानों में जो मरीज पहुंचते हैं, तीमारदार पहुंचते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ तो होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें कह सकते हैं कि जो भी मरीज और तीमारदार वहां पे पहुंचते हैं वो अपनी जान हथेली पर लेकर पहुंचते हैं। क्योंकि अभी थोड़ा सा हम एक महीना पहले की हम अगर आपको तस्वीर की बात करें तो एक महीना पहले भी आपने देखा होगा कि सीएमओ की टीम लगातार जो प्राइवेट संस्थान हॉस्पिटल थे वहां पर निरीक्षण कर रहे थे, तो वहां पर देखा गया था कि अनक्वालिफाइड यानी कि बिना पढ़े लिखे लोग डॉक्टरी कर रहे थे, बाकायदा लोगों की जांच कर रहे थे, दवाई लिख रहे थे, इसके साथ जो वहां पे कंपाउंडर से लेके जो नर्स थे जो इंजेक्शन लगा रही थी वो सब केवल अभी पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो रहा था, वो लोग मरीजों को इंजेक्शन दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि जो मरीज प्राइवेट संस्थानों में पहुंचते हैं और लगातार वहां पे जो उनकी जानों के साथ खिलवाड़ होता है और जब मरीज की मौत हो जाती है तो हॉस्पिटल अपना पल्ला झाड़ लेता है और उनके ऊपर आरोप लगाता है कि इनके द्वारा जो पैसा था वो नहीं दिया जा रहा था, चार्ज नहीं दिया जा रहा था, इसको लेकर के इन लोगों के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि हॉस्पिटल में धन उगाही हो रही है। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन पुलिस इस मामले से पल्ला यूं झाड़ लेती है, पुलिस साफ कहकर निकल जाती है कि ये हॉस्पिटल का मामला है, जब तक सीएमओ की तरफ से कोई आदेश नहीं आएगा तब तक डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसका ठीक है कलीम, आज जिस प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम निकल के सामने आ रहा है जिसने एक नाबालिग बच्ची का गर्भपात कराने का प्रयास किया है और उस हॉस्पिटल में कई जो गर्भवती महिलाएं थे वो भी भर्ती थी, तो क्या अभी उस हॉस्पिटल के संचालक को गिरफ्तार किया गया है या फिर वो पुलिस की पहुंच से दूर है? देखिए फिलहाल हॉस्पिटल को तो सील कर दिया गया है, लेकिन जो हॉस्पिटल संचालक है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस का पूरा सहयोग मिला उस हॉस्पिटल को, जिसके कारण जो संचालक है वो मौके से भाग निकला। फिलहाल हॉस्पिटल को तो कब्जे में ले लिया गया, पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, क्राइम सीन के लिए दोहराने के लिए वहाँ पे पट्टियाँ लगा दी गई, लेकिन
जो वहाँ की जो मरीज थी, जो वहाँ पर गर्भवती महिलाएं थी, उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जो संचालक है, आखिर वो संचालक पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर है, ये भी एक सवाल बड़ा है। क्योंकि पुलिस को इस शय पर ही जो वहाँ का संचालक है वो फरार हुआ है, क्योंकि जब वो किशोरी बयान दे रही थी तो बयान के दौरान ही उस संचालक को गिरफ्तार करना चाहिए था। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिलहाल हिरासत में तो लेना चाहिए था, हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए थी कि आखिर जब भ्रूण लिंग की जांच करना, भ्रूण की हत्या करना ये कानूनन अपराध है, तो आपके द्वारा इस तरीके से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए इस तरीके का काम किया जा रहा था। फिलहाल ये जो मामला है, ये मामला एक बड़ा है, क्योंकि भ्रूण की हत्या में भी खुद 302 का आरोपी डॉक्टर खुद बनता है, क्योंकि भ्रूण की हत्या भी एक बड़ा अपराध है। फिलहाल इस मामले को लेकर के जिस तरीके से हॉस्पिटल तो सीज किया गया है, लेकिन डॉक्टर को भी गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अस्पताल में एक नाबालिग का गर्भपात करा दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के लिए पुलिस तो पहुंचती है, जबकि अस्पताल को सील कर दिया जाता है, लेकिन जो संचालक है वो फिलहाल अभी भी गिरफ्त से बाहर है। और अब ये कानून भी बन चुका है कि भ्रूण से छेड़छाड़ करना या भ्रूण का गर्भपात कराना भी पूरी तरीके से वैध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ में ऐसे अस्पताल संचालित होते हैं जो भ्रूण हत्या जैसी जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस समीक्षा कर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी पार्टी ने मुख्यालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी 6 प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वही बैठक में मुख्य रूप से निकाय चुनाव में मिली हार और जीत को लेकर एक चर्चा की गई है, साथ ही आगामी लोकसभा की तैयारियों में भी जुटने के पदाधिकारियों और नेताओं को निर्देश दिए गए हैं। नगर निकाय चुनाव के बाद से बैठकें तो तमाम हो चुकी हैं और लोगों ने, सारे प्रांतीय अध्यक्षों ने अपने अपने प्रांत में बैठक ली। मैंने भी अपने प्रांत में जिस दिन चुनाव संपन्न हुआ उसके लिए ही बैठक कर लिया था। देखिए, बैठक आ चुकी, परिणाम आने के बाद एक बूम सा आया है, लोगों में काफी उत्साह है। हमारे कांग्रेस वर्कर्स में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, तो हर कोई उसी ऊर्जा को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए 2024 का चुनाव लड़ना चाहता है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर काफी दबाव पड़ा कि आप सबको बुलाइए, सबसे बैठे चिंतन मन होना चाहिए और चिंतन मन बाद हम लोग परिणाम से पहुंचे, ताकि 2024 का चुनाव हो सकता है। तो कांग्रेस की आज एक समीक्षा बैठक देखने को मिली, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के साथ ही तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उस बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं निकाय चुनाव में मिली हार और जीत दोनों की समीक्षा की गई और साथ ही 2024 को लेकर एक रणनीति भी तैयार की गई, और ये बैठक आज कांग्रेस प्रदेश के कार्यालय पर की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, 2024 के लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है और आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर एक समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक में कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे जिस पर चर्चा की गई है? मुस्कान, अगर बात की जाए तो नगरीय निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी को लगभग 4-5% लोगों के समर्थन मिलते हुए नजर आए। इसको लेकर अगर बात की जाए तो आज कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्यालय पर एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे, नसमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय समेत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जिलाध्यक्ष समेत तमाम मंडल अध्यक्ष और कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। साफ तौर से इस बैठक का उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी को कैसे उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाए। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस का अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के एक भी विधान परिषद के सदस्य नहीं है। साथ ही अगर बात की जाए मुस्कान, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कहीं ना कहीं महज 2 विधायक कांग्रेस के बचे हुए हैं। साथ ही लोकसभा की दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सूबा देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं
80 सीटों वाले इस प्रदेश में कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल की अपनी महत्वाकांक्षा होती है कि उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करे। कांग्रेस पार्टी एक लंबे अवसर से कहीं ना कहीं चुनाव हारते हुए नजर आ रही है और 2024 चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हवा बन रही है उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी लानी चाहती है। इसको लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी साफ तौर से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जिलाध्यक्षों को निर्देश देते हुए नजर आए कि पार्टी को कैसे स्थापित करना है, जिम्मेदारियों को कैसे तय करना है। 2024 के लिए जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं तो अब जमीनी स्तर पर जुटती हुई दिखाई दे रही है, तो आखिर कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पर कब उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस को यूपी में मजबूत होने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना भी फिलहाल बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ही पीछे है और आज की बैठक में ये तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैसे स्थापित करना है और साथ ही साथ जिम्मेदारियों को तय किया गया है और आने वाले समय में कांग्रेस का दावा है कि हम अपने पार्टी को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में स्थापित करेंगे और एक बेहतर मार्जिन के साथ लोकसभा चुनाव में अपने कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं फतेह दिलाएंगे। ऐसा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का दावा है। देखने वाली बात यह है कि 2024 का कहीं ना कहीं नतीजा उनके पक्ष में यूपी में आएगा, लेकिन अब इस बात को भी हम नहीं नकार सकते विभांशु कि चुनौतियां बड़ी हैं, तो कांग्रेस इन सभी चुनौतियों से क्या पार पा पाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? जी अगर बात की जाए तो अगर तुलना करके देखें भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी हमेशा चुनावी माहौल में रहती है और संगठन में सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है राजनीतिक दलों का, और इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत मेहनत करने की जरूरत है ग्राउंड लेवल से। और साफ तौर से आज की बैठक में बृजलाल खाबरी अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए हैं कि जो सरकार पूर्व में हमारी वही है उनके तमाम कार्यों को कहीं ना कहीं जनता के बीच बताएं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगामी एक सालों में कई ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज की समीक्षा बैठक के बाद कितने पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव नजर आते हैं जमीन पर। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार जो हमारे सहयोगी है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी लगातार पार्टी कार्यालयों पर, सभी पार्टी कार्यालयों पर बैठकों का दौर जारी है, समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और 2024 को लेकर रणनीति भी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ ही पदाधिकारियों के साथ बैठकर तय की जा रही है, क्योंकि 2024 का निकाय चुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी निर्णायक रहेगा। यही वजह है कि जो सभी पार्टियां हैं वो लगातार अपनी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।